18 मार्च से भगोड़ा अमृतपाल फरार है, पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन पुलिस के दावों पर यकीन करें तो अमृतपाल पर शिकंजा कसता जा रहा है, उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अमृतपाल को लेकर पंजाब में अलर्ट है, पुलिस का कई इलाकों में पहरा बढ़ गया है। एनआरआई साथी गिरफ्तार, गिरफ्त में कब गुनहगार, चप्पे चप्पे पर पुलिस ने बिछाया जाल, भगोड़े अमृतपाल का सरेंडर प्लान, हथकड़ी तैयार, अब होगा गिरफ्तार। 22 दिनों से भगोड़ा अमृतपाल पुलिस से आंख मिचोली खेल रहा है। कभी दिल्ली, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, भगोड़ा सिर्फ सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए ही पुलिस के हाथ लग सका है। 5 राज्यों में पुलिस ने अमृतपाल के तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अमृतपाल हर बार पुलिस से 2 नहीं 4 कदम आगे ही रहा। अब अमृतपाल को लेकर पंजाब में पुलिस का पहरा और भी बढ़ गया है। हाई अलर्ट पर पुलिस ने बठिंडा में फ्लैग मार्च किया। माना जा रहा है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर ली गई है, कभी भी इस भगोड़े को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तो सदैव तैयार हैं, उसके लिए वेट करने की तो जरूरत ही नहीं है। अमृतपाल तो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, जब भी वो आना चाहता है, ही इज वेलकम। तो वी रिक्वायर, द लॉ रिक्वायर्स हिम, ही कैन ड्रॉप इन एनी टाइम, व्हाई ही हैज टू वेट फॉर द 13th और 14th फादर। माना जा रहा है कि अमृतपाल ने बठिंडा में सरेंडर का प्लान बनाया है, लेकिन पुलिस ने ऐसा जाल बिछा रखा है कि उसका सरेंडर प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा। इस बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी। होशियारपुर पुलिस ने फगवाड़ा के पास रहने वाले जसविंदर नाम के एनआरआई को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के होशियारपुर से फरार होने में इसी शख्स का हाथ रहा है। अमृतपाल 28 मार्च को होशियारपुर के गांव मरनैया से फरार हो गया था। अमृतपाल 28 मार्च की शाम पपलप्रीत के साथ होशियारपुर पहुंचा था। रात 8 बजे के आसपास पुलिस को खबर मिली कि अमृतपाल इनोवा गाड़ी में सवार होकर फगवाड़ा की तरफ निकला है। इस सूचना के बाद पुलिस ने जाल बिछाया। कई जिलों के पुलिस ने होशियारपुर समेत आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन मरनई गांव के पास अमृतपाल इनोवा कार को छोड़कर सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर फरार हो गया। अमृतपाल की तलाश में कई जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, यानी अमृतपाल जैसे ही दिखेगा पुलिस उसे दबोच लेगी। कई दिनों से भगोड़ा अमृतपाल पुलिस को चकमा दे रहा है, लेकिन लगता है कि इस बार पंजाब पुलिस की गिरफ्त से अमृतपाल बचने वाला नहीं। अमृतपाल को हथकड़ी लगने का इंतजार खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।